हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल स्वाति व्लॉग फरीदाबाद। और अभी के टाइम जो है वो 2:30 हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं, दोपहर का टाइम है। मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर जो है वो देख रही है सीरियल। सीरियल कौन सा सीरियल देख रही है? वो कौन सा सीरियल देख रही है नानी? देवो देवो के देव महादेव वाला सीरियल देख रहे हैं अभी वो। और मैं कर रही हूँ आप लोगों से बात। दे मार्केट अब पता नहीं कब खुलेंगी कब नहीं। शायद हो सकता मंडे से मार्केट खुलेंगी, पता नहीं नहीं खुलेंगी। क्या करूँ क्या नहीं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं इस तरीके की मार्केट की वीडियो नहीं बना रही, तो मुझे इतना पता नहीं लग रहा था। जब जिसके ऊपर चीजें बीतती है ना, उनको पता लगता है कि कितना नुकसान होता है। जो लोग डेली खाते होंगे, मतलब डेली खाते तो सभी हैं, क्या बोल रही हूँ मैं भी, मतलब कि जैसे डेली मतलब कमाते हैं डेली खाते हैं, उन लोगों क्या होता होगा, मैं ये सोच रही हूँ कितना मतलब बुरा असर पड़ता है उनकी लाइफ के ऊपर, कि मतलब डेली कितना नुकसान हो रहा है उन सब के ऊपर। और बाहर निकले तो मुसीबत, ना निकले तो मुसीबत, इंसान करे तो क्या करे। इस तरीके की स्थिति कभी भी मैंने नहीं देखी अपनी लाइफ में, ये मैं पहली बार देख रही हूँ जब से मैं पैदा हुई हूँ। और शायद आप लोगों ने भी, मतलब शायद या पक्का ही आप लोगों ने पहली बार ही देखी है ये सब, क्योंकि इससे पहले तो कोरोना पुरोना ऐसा कुछ था ही नहीं है। पता नहीं कब भागेगा भगवान, जल्दी से भगा इस कोरोना को, महा बीमारी को। हम सब बहुत परेशान हो गए हैं, बस अब सेफ्टी रख रख के परेशान है, सेफ्टी रखने वाले भी परेशान, मतलब कि मतलब सेफ्टी रखने के बाद भी लोगों को इतना बीमार हो रहे हैं, इतने केसेस रोज आ रहे हैं, क्या करें क्या नहीं समझ नहीं आ रहा है। और आपको मेरी ऐसी हालत लग रही है, मैं नहाई नहीं हूँ, मैं नहा चुकी हूँ, मैंने कंघी नहीं की है, ना कोई मेकअप किया है ना कुछ, क्योंकि कहीं जाना तो है नहीं, ये सोच के ज़्यादा नहीं किया मैंने कि कहीं जाना तो है नहीं, क्या मतलब फालतू का खर्चा करें। मतलब क्रीम व्रीम लगाने से खर्चा तो होता ही है ना, तो मैं बहुत इन सब चीज़ में क्रीम बाहर जाए तो भी करती हूँ नहीं। मैं कानों में तभी पहनती हूँ जब मुझे कहीं बाहर जाना हो, नहीं तो मैं नहीं पहनती। ये शाखा पोला मैंने बस अब पहन लिया, नहीं तो मैं हाथों में भी कुछ नहीं पहनती हूँ। हाँ, ये मैंने नवरात्रि के टाइम पहन लिया था, सातवें, हाँ सातवें नवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह पहना था मैंने ये। और आप सुनाइए, आज आप लोग क्या कर रहे हो? घर पे बोर हो रहे हो क्या? बस खाना बनाओ, खाना खाओ, सो जाओ और टीवी देखो, और क्या यार। कब मार्केट खुलेगी, कब मेरा काम शुरू होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। पता नहीं कैसे लोगों ने काफी काफी वीडियो बना ली है कि पहले से ही, और मैं मूर्ख, मैंने नहीं बनाई है, इसलिए मैं थोड़ी सी परेशान हो रही हूँ सच बताऊँ तो। क्योंकि जब कोई भी आप काम करने लग जाते हो ना, तो बीच में आपका कुछ काम स्टॉप होता है ना, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है यार। ऐसी मेरी कुछ हालत हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कहाँ कब सब ठीक होगा भगवान, कब मैं मार्केट जाऊंगी, कब मैं वीडियो बनाऊंगी। वैसे तो मेरे पास ऑप्शन काफी सारे हैं, लेकिन शुरुआत नहीं कर पा रही हूँ मैं। और वो ये है कि आप लोग फिर मार्केट की वीडियो भी देखते हो, और जैसे कि अभी मैं घर की ब्लॉग डालने लगा हूँ तो देखते भी नहीं हो, फिर मन टूट जाता है यार। इतनी मेहनत करके ब्लॉगिंग करो, फिर आप लोग नहीं देखो, कोई लाइक्स नहीं, कोई व्यूज नहीं आते हैं, तो इतनी मेहनत करने का फायदा भी क्या होता है। और देखो, मैंने जो मैंने भूतवारी गली में ना बाल करवाए थे, इतना फरवरी में ही तो मैंने करवाए थे, फरवरी मतलब जनवरी के लास्ट में ही करवाए थे। फरवरी में मुझे शादी में जाना था गुजरात में, तो मैंने इतना पैसा वेस्ट किया। एक तो उन्होंने जब ये मेरे कलर किए ना, वो उन्होंने कलर नहीं ब्लीच कर दिया, बेवकूफ इंसान वो इतने कि ब्लीच कर दिया, पैसे उन्होंने कलर के ले लिया और ब्लीच करके दे दिया मेरे बालों में। क्योंकि मैं होली पे ना मेरे इस पे कलर चढ़ गया, और इतनी जल्दी मेरे व्हाइट बाल भी हो गए, ब्लीच उतरने शुरू हो गई थी, बहुत मैं परेशान हो गई। अभी तो मैंने बहुत सारा तेल लगा रखा है अपने बालों में, और ये कहीं से दिख रहा है स्मूथनिंग, ये दिख रहा है स्मूथनिंग, घंटा स्मूथनिंग, कौन कह देगा मैंने स्मूथनिंग करवाई है, कौन कह देगा मैंने कैरेटिन करवाई है, कौन कह देगा ये ग्लोबल कलर है। कहीं से ना कोई ग्लोबल कलर दिख रहा ना कुछ, पैसे वेस्टेज।